वहाँ का स्थिति यह है कि बगैर कहे पूछे अपने मन मन उन्होंने बिना सिचुएशन के उन्होंने काम बंद कर दिया, और काम बंद करने के बावजूद जब हम लोग अपने हिसाब से अपने उनके पास जब अपना मजदूरी लेने गए तो उन्होंने हमको कुछ समझा बुझा करके बहुत हल्का फुल्का पेमेंट दे करके उन्होंने बात ज़बरदस्ती हमको हटा दिया। और मैं इस आशा विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि वहाँ का सेल पदाधिकारी हम लोगों को जब कोई बात नहीं सुनती है तो मैं अपने मेन ऑफिस जो यहाँ का पदाधिकारी है मैं उनके साथ अपने बर्ताव रख करके मैं अपने मजदूरी लेने का प्रयास करूँगा, और जब तक मुझको यह मांग मिलता नहीं है तब तक मैं अनिश्चितकालीन धरना बैठे रहूँगा। हाँ, हम लोग का रोजी रोटी हुआ है, हम लोग कहाँ जाएंगे बाकी लेडीज सब काम कर, हम लोग का रोजी रोटी हुआ है। हाँ, और अब लोग जब हम लोग को जब इतना खदान बंद हो गया तो हम पेट के लिए हम लोग यहाँ दौड़ा करबे नहीं करेंगे, कैसे क्या करेंगे? क्यों कोई बोल देता है कि चलिए हमारा मजबूरा कर दीजिए, कोई दो किलो तीन किलो देगा तो उसी पर जाके घर दुआ लिप पोत देते हैं, कोई गोबर मुत बीने के लिए कर देते बीक के हम लोग बाल बच्चा पोसते हैं, क्या करेंगे? हमारा चार्ट ऑफ डिमांड दिया हुआ है और उस चार्ट ऑफ डिमांड पर अगर अमल नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं। भूखमरी की स्थिति है, बताइए कि जो आदमी 30 साल से काम कर रहा हो, खदान में 30 साल से लोग काम कर रहा था, एकाएक खदान को बंद कर दिया गया तो उस खदान में काम करने वाले 3000 से अधिक परिवार, परियोजना प्रभावित परिवार, मजदूर, ड्राइवर, खलासी, लोडर, बैगन लोडर, हाईवा ऑपरेटर, डंफर ऑपरेटर, बैगन लोडर, डंफर लोडर, तमाम तरह के जो मजदूर काम करते हैं, भूखमरी की स्थिति। वह आपके यहाँ बोकारो की तरह स्थिति नहीं है, गढ़वा जिला में इकलौता लाइफ लाइन था गढ़वा जिला के लिए बोकारो स्टील प्लांट का लाइम स्टोन खदान, भवनाथपुर और तुलसीदामर खदान डोलोमाइट, पूरा मार्केट प्रभावित हुआ है, भूखमरी के कगार पर है। इसलिए हम लोग यहाँ, चूँकि कैप्टिव माइंस बोकारो स्टील प्लांट का था, हम वहाँ के विस्थापित भी हैं, हमारी ज़मीन गई है, नौकरी बहुत लोगों को नहीं मिला, इसीलिए आज आप लोग, हाँ इसीलिए अनिश्चितकालीन हमारी मांग अगर नहीं पूरा करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन भी हमारा आंदोलन धरना जारी रहेगा।